हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं सूरज यादव आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 125 की EMI डिटेल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा ये बाइक अगर आप EMI पर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको कितनी EMI देनी पड़ती है एक महीने में, और दोस्तों क्या इसका डाउन पेमेंट है और क्या इसमें आपको इंटरेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है वो है फ्रेंड्स, डिस्क वेरिएंट की है, वो है 1,00,000 रुपये। वहीं दोस्तों, इस बाइक का जो मैं EMI डिटेल्स बताऊंगा वो बताऊंगा दोस्तों, अगर आप इस बाइक के लिए 50,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो दोस्तों आपका जो लोन अमाउंट रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका 50,105 रुपये। अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका लोन अमाउंट दोस्तों 50,000 रुपये रह जाता है। अगर दोस्तों इस बाइक को आप 1 साल के लिए EMI पर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपकी मंथली EMI आएगी 4,636 रुपये। और दोस्तों ये बाइक टोटल आपको पड़ेगी 1,05,737 रुपये की। वहीं दोस्तों, अगर इस बाइक को आप 24 महीनों के लिए EMI पर लेते हैं, मतलब 2 साल के लिए लेते हैं, दोस्तों आपकी जो डाउन पेमेंट रहेगी वो 50,000 सेम रहेगी। और फ्रेंड्स, आपका जो EMI आएगा मंथली वो आएगा 2,570 रुपये। और दोस्तों टोटल ये बाइक आपको पड़ेगी 1,11,800 रुपये की। वहीं दोस्तों बात करते हैं, अगर आप इस बाइक को 3 साल के लिए EMI पर लेते हैं तो दोस्तों इस पर आपको जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। दोस्तों आपका जो लोन अमाउंट है वो सेम रहेगा और आपका डाउन पेमेंट भी सेम ही रहेगा। दोस्तों आपकी जो EMI है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे कि दोस्तों आपकी जो EMI आएगी मंथली वो आएगी 1,873 रुपये। और दोस्तों ये बाइक आपको टोटल पड़ेगी EMI पे करने के बाद 1,18,000 रुपये की। दोस्तों इसकी इस वीडियो में मैंने आपको इस बाइक की 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए EMI डिटेल्स बताई है। अगर आप इस बाइक के लिए डाउन पेमेंट करते हैं 50,000 तो आपको इतना EMI देना पड़ेगा महीने का। और दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छी लुक के साथ। और स्पोर्ट बाइक अगर आप लेना चाहते हैं और आपको अच्छी एवरेज भी चाहिए तो आप इस बाइक को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस बाइक में आपको 125 cc का इंजन मिल जाता है और आराम से ये बाइक दोस्तों आपको 45 से 50 तक की एवरेज आराम से दे देती है। और फ्रेंड्स, आजकल तो पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, दोस्तों ज़्यादातर लोग हाई cc की बाइक ना लेकर 125 cc की बाइक ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप स्पोर्ट बाइक एक लेना चाहते हैं और आपको एवरेज भी अच्छी चाहिए, लो मेंटेनेंस हो, तो दोस्तों इस बाइक को आप ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर इस बाइक की आपने रिव्यू वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से इसकी रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और दोस्तों जल्दी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप इसके लिए डाउन पेमेंट करते हैं 20,000 या 30,000 तो दोस्तों वीडियो को इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।